फूलदान पर तो संजना की उंगलियों के निशान है। क्या? नहीं नहीं देखिए, जरूर कोई गलत फहमी हो सकती है। ना संजना ने खून किया है ना मिश्री ने, है ना संजना? ना तुमने खून किया है ना मिश्री ने। तुम दोबारा हमें धोखा नहीं दे सकती, तुम ये बात हमें बता सकती थी। मामा जी अमर ये बता सकते थे। मैंने कहा ना, मैंने कह दिया ना खून मैंने किया है। संजना ये सबूत, ये सब तुम क्या बोल रही हो? और मैं जानता हूँ कि तुम ये सब जानबूझ के बोल रही हो, पर क्यों? प्लीज तुम ऐसे टूट जाओगे, मुझे कौन संभालेगा? देखो इधर, थोड़ी बच्चा काम लेना होगा ना, ये हमने हमारी मिश्री के लिए किया। तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को, मेरे पूरे परिवार को संभालोगे, फिर तुम्हें आज नहीं आने दो। बेचारी संजना बलिदान देने चली थी, अब पता चला जब पूरा घर किसी एक इंसान से नफरत करता है तो कैसा लगता है। गाड़ी दौड़ाइए पंडित जी, मैं बोर हो रहा हूँ। अब सिंदूर द्वारा वर वधु के मांग को भरे। वधु के गले में मंगलसूत्र पहना। बुलाइए मुजरिम को। जी। हथकड़ी लगाओ। इंस्पेक्टर मेरे पास। अब तो मान गए ना कि मैं सच कह रही थी। आपको अपना वादा तो याद होगा, क्या कहा था आपने कि अगर मेरे अज्जू भैया का खून इस परिवार में से किसी ने भी किया है तो आप खुद उसे अपने हाथों से पुलिस के हवाले करेंगे। याद आई? यही लाइन थी ना आपकी? तो चलिए अब संजना को पुलिस के हवाले करने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे पहले मैं अपने अज्जू भैया के खूनी को एक इनाम देना चाहती हूं। अज्जू के खून का बदला लेना, संजना के मुंह पे कड़ारा थप्पड़ मार के। खबरदार, अगर तुमने संजना को हाथ लगाया तो। बस बहुत हो गया, तुम्हारे चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। बस नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब आप चलो, आगे नहीं जाना है। नहीं चलो प्लीज, मुझे जाने दीजिए। नहीं, सही कहती थी,
सत्य की हमेशा जीत होती। आज मुझे सही वक्त पर पता चल गया कि जिसके खून के लिए मैं गिरफ्तार हूँ वो तो जिंदा है।